हाय गाइस, आपको लास्ट ईयर वाला वन प्लस 11R तो याद ही होगा ना। मतलब कितना प्यार दिया था लोगों ने इस फोन को। बट ये जो लेटेस्ट वन प्लस 12 आ रहा ना, इसको इंटरनेट पे बहुत ज्यादा हेट मिल रही है। मतलब इतनी कंट्रोवर्सी बढ़ चुकी है। एक्चुअली में पता है क्या हुआ है, वन प्लस ने पहले ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस में लिखा हुआ था कि इस फोन में ना UFS 4.0 स्टोरेज है, लेकिन अभी रिसेंटली वन प्लस ने खुद एडमिट करा है कि इसके अंदर UFS 3.1 स्टोरेज है। ऐसे फेक प्रॉमिस करा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन लिखी, तो लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है ये। और सेकंड बात, मैंने इस फोन को यूज किया है, इनफैक्ट मैंने इसको वन प्लस 11R से कंपेयर किया है, और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अब वन प्लस 11R के मुकाबले वन प्लस 12R क्या अपग्रेड है। पूरे इस फोन की सिचुएशन के बारे में बात करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली में फोन है कैसा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखो, मेरे पर्सपेक्टिव में वन प्लस 12R तभी विन ले गया था जब मैंने देखा मटेरियल्स में कितनी सही इंप्रूवमेंट है, वो भी प्रीमियम वाली। जैसे कि वन प्लस 11R में पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम था, प्लास्टिक था, बट 12R में यहाँ पर मेटल फ्रेम दिया है, जो कि ऑब्वियसली प्रीमियम चीज है। इनफैक्ट वन प्लस 12R में अब IP रेटिंग है IP65। और सबसे बड़ी बात, इस फोन का फ्रंट जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ आता है। ये मैंने इस प्राइस में एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे OnePlus ने इस 12R के साथ थोड़ा कलर चेंज करा है, हल्का सा लाइक ग्रीश वाली साइड है, जो मुझे लाइक ओके लग रहा है। बट इस फोन के बारे में दो बातें बताता हूँ, जो एक मेरे को थोड़ी सी एक्सेप्टेबल लगी और एक बहुत अच्छी लगी। देखो, पहले अच्छी बात बता देता हूँ, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की लोकेशन है ना, वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ कर दिया है, तो कंफर्टेबल लगता है मुझे, वो जस्ट थंब स्ट्रेच नहीं करनी पड़ती पहले की तरह। और एक्सेप्टेबल सी बात ये है कि जो USB टाइप सी पोर्ट है वो 2.0 के स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, जो कि हाई स्पीड नहीं होता, बट इस प्राइस रेंज में फिर 2.0 ही मिलता है टाइप सी। इनफैक्ट जो हैप्टिक्स भी है वो भी मुझे डिसेंट लगे, और जो स्पीकर्स है वो भी लाइक इनफ लाउडनेस के साथ आते हैं। बट इस फोन को टेस्ट करते समय ना, मुझे एक चीज स्पेसिफिक देखने को मिली कि फोन्स की स्पेसिफिकेशंस ऑन पेपर जो होती है वो रियलिटी से डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर मैं वन प्लस 12R की डिस्प्ले की बात करता हूं ना, वो वन प्लस 12 की स्पेसिफिकेशंस फॉलो करती है, बस उसके रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम है और साइज में मामूली डिफरेंस है। देखो, डिस्प्ले में पहली चीज यही हाईलाइट कर देता हूं कि LTPO पैनल है ये। इस प्राइस सेगमेंट में LTPO होना बहुत अच्छी बात है। मोरओवर, जो डॉल्बी विजन का सपोर्ट इस फोन के साथ मिलता है वो बहुत अच्छी चीज है। ऐसा सपोर्ट होना प्रीमियम फोन की पहचान होती है। बट वन प्लस ने जो वाइल्ड क्लेम किया है ना कि इस फोन में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि वन प्लस 12 में मिलती है, जो कि 65000 का फोन है, बट यहाँ पर स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। देखो, इस फोन पे ना मैं नेटफ्लिक्स पे आर्कनाइट देख रहा था, ये वेब सीरीज डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करती है, और मुझे देखना था कि इसकी पीक ब्राइटनेस कैसी है, बट फॉर सम रीजन वन प्लस 12R मुझे डल लग रहा था। और क्योंकि रिसेंटली मैंने वन प्लस 12 भी टेस्ट करा था, जो कि सेम पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, तो मुझे लगा साइड बाय साइड रख के देखते हैं कि सच में डल है 12R, और एक्चुअली में 12R थोड़ा डल लग रहा है वन प्लस 12 के आगे, जबकि सेम पीक ब्राइटनेस है। फिर मुझे लगा कि नेटफ्लिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं यूट्यूब पे गया, वहां पर HDR कंटेंट चलाया वन प्लस 12 और 12R दोनों में, बट स्टिल वन प्लस 12 जो है एक्सपेंसिव वाला, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा ही लगती है। और मैं क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, फोन भी अपडेटेड है, नेटफ्लिक्स की ऐप भी अपडेटेड है, और नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी लिखा रहा है। वैसे मैंने एक और चीज क्रॉस चेक करी है, वो आउटडोर विजिबिलिटी। मतलब मैंने वन प्लस 12 और 12R साइड बाय साइड रखे और डायरेक्ट सनलाइट में फुल ब्राइटनेस में चेक किया, और यहाँ पर भी वन प्लस 12R ज्यादा डल लग रहा है वन प्लस 12 के मुकाबले। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वन प्लस 12 और 12R दोनों के डिस्प्ले के जो ब्राइटनेस के स्पेक्स है एकदम सेम है। अब मुझे नहीं पता कि ये एक बग है या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन वन प्लस की तरफ से। ऑब्वियसली इस फोन में अपनी सिम डाल के मैं रिव्यू तो लेकर आऊंगा ही, तब अच्छे से बताता हूँ। बाकी यार, बैटरी डिपार्टमेंट में मुझे अच्छी बात ये लगी कि वन प्लस ने कैसे बाउंड्रीज को पुश करके 5500 mAh की बैटरी डाली है इस फोन में। हाँ, इस वजह से फोन थोड़ा सा मोटा लगता है, लाइक थिकनेस है इस फोन के अंदर, जो कि ओवर टाइम आई थिंक यूज टू हो जाएंगे। बट क्योंकि 100W की चार्जिंग भी है, जो कि 30 मिनट में फोन को फुल चार्ज कर रही है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन तो भाई प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। और सॉफ्टवेयर की बात करूं, जैसे कि एक्सपेक्टेड था भाई, यहाँ पर हमें OxygenOS 14 मिलेगी, बट एक चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी, यहाँ पर डिसंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, आई थिंक थोड़ा जल्दी आना चाहिए बाकी अपडेट भी। इनफैक्ट वन प्लस जो है 4+5 years की अपडेट पॉलिसी प्रॉमिस कर रहा है, जो कि ये भी अच्छी चीज है। बट मुझे ना इस UI के अंदर कुछ कुछ कमियां लगती है, जो कि मैंने वन प्लस 12 की वीडियो में बहुत अच्छे से हाईलाइट करी है। जैसे कि विजिट वाला मेन्यू बहुत क्लटर्ड फील होता है, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने हाईलाइट की थी, आप जाकर देखना। बट जितनी भी कंप्लेंट्स है ना, 40,000 रुपए के प्राइस टैग के हिसाब से इतनी एग्रेसिव नहीं है, लाइक उनको मैं हल्का हल्का स्लाइड कर सकता हूँ। बट एक चीज जो मैं वन प्लस की बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, कि जो कंट्रोल ये लोग देते हैं ना प्री इंस्टॉल एप्स पे, चाहे फिर वो इंस्टॉल करो डिसेबल
करो, ये बहुत अच्छी बात है इस प्राइस सेगमेंट में। बट मोस्ट इंपोर्टेंटली परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ। देखो इस फोन में ना स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर है और जो मेरे पास वेरियंट है वो बेस वाला है जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलती है और स्टोरेज का टाइप है UFS 3.1। और आपको पता है स्टोरेज टाइप के ऊपर ना बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। वैसे तो OnePlus ने कंफर्म कर दिया है कि इस फोन के जो दोनों वेरियंट है दोनों स्टोरेज जो है UFS 3.1 ही है। खैर कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में एक बार लास्ट में बात करेंगे। देखो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना लास्ट ईयर वाले OnePlus 11 से मैंने OnePlus 12R को कंपेयर किया है। एंटूटू स्कोर्स देखो 12R थोड़ा सा पीछे ही है 11 से, लेकिन अगर मैं OnePlus 11R से कंपेयर कर दिखाऊं तो 12R काफी आगे है। और सिंपल सी बात है भाई, OnePlus 11 के स्कोर्स इसलिए दिखाया है क्योंकि उसमें भी Snapdragon 8 Gen 2 है इस 12R की तरह। और अगर मैं Geekbench की भी बात करूं या फिर वाइल्ड लाइफ का जो मैं एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट रन करता हूं, उन दोनों में जो है OnePlus 12R ज्यादा आगे है दोनों फोन से। बट मुझे तो मजा आया CPU थ्रॉटलिंग का ग्राफ देख के। देखो OnePlus 11R सबसे एफिशिएंट था भाई, वो जो प्रोसेसर के साथ आता है वो बहुत सही है। बट जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ती है ऑब्वियसली यार थ्रॉटलिंग के चांसेस उतने बढ़ते हैं। वैसे 12R ने नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट गेमिंग के बारे में बताऊं तो मैंने इस OnePlus 12R में ना COD खेला। देखो 120 FPS का ऑप्शन अवेलेबल है और मैंने दो डेथ मैच खेले 120 FPS पे और मोस्ट इंपोर्टेंटली SSH हीटिंग भी नहीं थी। फिर मैंने BGMI भी खेला, वहां पर 90 FPS की सेटिंग्स मिलती है और नो डाउट गेम प्ले भी बहुत ज्यादा स्मूथ था। बट मैंने जब FPS काउंटर ऑन किया ना वहां पर 60 FPS से ऊपर तो ये शो नहीं कर रहा। आई थिंक मे बी ये बग हो सकता है क्योंकि ये सेम चीज मुझे OnePlus 12 में भी देखने को मिली थी। और जेंशन इंपैक्ट की बात करूं जो कि बहुत हैवी गेम है, मैंने टोटल आधा घंटा खेला है मैक्स सेटिंग्स पे। 25 मिनट के गेम प्ले तक इस फोन ने कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं दिखाया, बस जो लास्ट के 5 मिनट थे ना वहां पर मुझे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले। बट हायर 60 FPS मिल रहे जो कि अच्छी बात है। और हीटिंग की भी बात करूं ना, देखो इस गेम में ज्यादातर फोन हीट करते हैं, इसने भी हीट किया बट इतना ज्यादा हीट भी नहीं किया कि फोन अनकंफर्टेबल हो जाए पकड़ने में। बट आप विंटर्स भी चल रहे हैं, अभी मैं दिल्ली में हूं, बट स्टिल यार मेरे हिसाब से सही परफॉर्म करा है इसने। तो सिंपल सी बात बोलूंगा, जो प्रोसेसर इस 12R में लगा हुआ है ना बहुत रिलायबल है, काफी पावरफुल है, बेसिक टास्क ऑब्वियसली बहुत अच्छे से परफॉर्म कर जाएगा। बट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैमरा कैसा है। ये जो सेटअप है 50+8+2 का, क्या ये इंप्रूव्ड है लास्ट ईयर के मुकाबले। देखो अभी तक मैंने इस फोन से जितनी भी फोटोज खींची ना, मेरे सबसे पहले ध्यान में ये गया कि ओवर शार्पनिंग तो नहीं है। इनफैक्ट जो डिटेल्स है वो भी बहुत सही तरीके से रिटेन कर रहा है। और प्राइस सेगमेंट के हिसाब से भाई कलर्स मैं बोलूंगा अच्छे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। हाँ सैचुरेशन अपर साइड है इनके अंदर जो कि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, अट्रैक्टिव लगती है। बट एक फोटो दिखाता हूँ पर्टिकुलर सिचुएशन में, जहां पर बैकग्राउंड में पूरा स्काई है तो ये पूरी फोटो को ब्लू कर देता है। बट अच्छी बात ये है कि भाई स्किन टोन ये एक्यूरेट रखता है। बेसिकली थोड़ी देर पहले मैं यही कह रहा था कि जो पूरी ओवरऑल फोटो है बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बट अगर एक्यूरेसी के हिसाब से देखा जाए तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है। इनफैक्ट अगर मैं इंडोर फोटोज भी दिखाऊं तो देखो मैं कलर एक्यूरेसी की बात नहीं करूंगा, इस प्राइस सेगमेंट में इतना कॉमन नहीं है। काफी बार ऐसा हुआ है कि एनवायरमेंट में वार्म लाइटिंग थी, इसने उसको न्यूट्रल कर दिया, बट स्टिल प्राइस के हिसाब से ये इंडोर में भी अच्छी फोटोज खींच रहा है। बट इंप्रूवमेंट्स तो तब दिखती है जब मैं इसको OnePlus 11R से कंपेयर कर रहा था। देखो OnePlus 12R और 11R को जब साइड बाय साइड देखते हैं ना, सीधा मुझे ऐसा लगा कि कलर्स बहुत इंप्रूव हुए हैं। इनफैक्ट कॉन्ट्रास्ट बहुत बेटर तरीके से लेकर आता है 12R, क्लियरली पता लग रहा है कि 12R में डिटेल ज्यादा आती है। और अगर इस OnePlus 12R के अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं तो मुझे नो डाउट पसंद आया। इनफैक्ट मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड के बीच में बहुत सिमिलर प्रोसेसिंग है जो कि बहुत अच्छी बात मानी जाती है, और अल्ट्रा वाइड भी अच्छी फोटोज खींच रहा है। और इस फोन के फ्रंट कैमरे की बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का है। और एक चीज तो कहनी पड़ेगी, डिटेल्स तो अच्छी खासी आ जाती है बट हर एक स्किन टोन के अंदर ये थोड़ा सा रेड टोन मिक्स कर देता है। अगर आपको ये चीज पसंद है तो आपको फोटोज पसंद आएगी, अगर आपको रेड टोन नहीं पसंद तो थोड़ा वियर्ड लग सकता है। पता है क्या, मुझे तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट नाइट मोड में देखने को मिली यार, क्योंकि जो स्काई है वो एक्चुअली में ब्लैक ही रहता है, वहां पर भी ऐसा सच कोई नॉइज नहीं आती। और सरप्राइजिंगली जो ब्राइट एरियाज होते हैं हाईलाइट्स, वो भी ये सही से मैनेज कर रहा है, क्योंकि जो नियॉन साइन बोर्ड है वो अच्छे से दिख रहे हैं फोटोज में। बट हाँ नोटिस करने वाली बात ये कि जो साइन बोर्ड के फ्लेयर्स है ना वो दिखते हैं फोटोज में। और इस OnePlus 12R की वीडियो के बारे में बताऊं तो 4K 60 FPS से शूट कर सकता है, बट मैं OnePlus 11R से कंपेयर कर रहा था, मुझे ऐसा सच कोई मेजर चेंजेस तो नहीं देखने को मिले। हाँ माइनर इंप्रूवमेंट HDR में देखने को मिली है, और अगर एग्रेसिव लाइटिंग कंडीशन है तो डिटेल्स वहां पर थोड़ी इंप्रूव हुई है। और क्लियरली बता दूं अल्ट्रा वाइड लेंस और जो सेल्फी कैमरा है दोनों 1080p ही मैक्सिमम शूट करते हैं, 4K नहीं है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि एग्जैक्टली में क्या सिचुएशन है इस फोन की। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर OnePlus का वो ब्राइटनेस वाली प्रॉब्लम नहीं होती जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि भाई काफी डल लग रही है डिस्प्ले खासकर Netflix में, तो और फिर सेकंड बात आती है UFS 4.0 स्टोरेज वाली कि वो एक्चुअली में UFS 3
3.1 स्टोरेज थी बट OnePlus ने 4.0 लिखी। इसमें क्या होता है ना कि थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं ब्रांड के साथ, तो इस वजह से ना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि इस फोन के ऊपर सॉलिड ओपिनियन मैं क्या दूं आप लोगों को। बट सेम टाइम पे मैं ये भी क्लियर कर देता हूं, OnePlus 11R के मुकाबले 12R अपग्रेड बोला जाएगा, बट अभी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा टाइम वेट करो, क्या सिचुएशन है, क्या कॉन्ट्रोवर्सी इस फोन पे चल रही है वो टाइम के साथ ही सॉल्व होगी। मैं भी सिम डाल के इसको टेस्ट करके रिव्यू लेकर आऊंगा, तब ज्यादा अच्छे से मैं ओपिनियन दे पाऊंगा अपना। तो सारी सिचुएशन अब आपको ही पता लग गई है, आपका क्या ओपिनियन है, आपको इन कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में क्या लगता है कि क्या चल रहा है OnePlus में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक पर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।